आपके जन्मदिन में ही छिपा है लंबी उम्र का राज। जन्मदिन से जाने कितने साल जिएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वैदिक ज्योतिष में आयु ज्ञात करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक है अपने जन्म के वार के आधार पर आयु का पता करना। ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति का जन्म जिस वार को होता है उसके आधार पर उसकी आयु कितनी होगी और उसके जीवन के कौन कौन से वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है इसकी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित है, हालांकि हर मामले में इसे एक जैसा नहीं देखा जा सकता। नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। रविवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की मानी गई है। इन लोगों के लिए जन्म से पहले और छठे महीने तथा 13वें एवं 22वें वर्ष में घात रहती है, यानी आयु के इन वर्षों में मृत्यु के समान कष्ट मिलता है। रविवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति सूर्य के प्रभाव के कारण तेजस्वी, चतुर, गुणवान, उत्साही, दानी, लेकिन थोड़ा गर्व रखने वाला और पित्त प्रकृति का होता है। रविवार को जन्म लेने वालों को गुस्सा बहुत आता है। सोमवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति की आयु 84 वर्ष मानी गई है। इनके लिए जन्म से 11वें महीने और 16वें तथा 27वें वर्ष में घात रहती है, यानी इन समयों में वह गंभीर रूप से कष्ट भोगता है। हालांकि इस दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति चंद्र के प्रभाव के कारण बुद्धिमान और शांत स्वभाव के होता है। ये लोग अपने मधुर वाणी से अन्य लोगों को अपनी ओर सरलता से मोहित कर लेते हैं। ऐसे लोग स्थिर स्वभाव के और सुख दुख दोनों स्थिति में समान रूप से व्यवहार करने वाले होते हैं। मंगलवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति की आयु 74 वर्ष होती है, लेकिन जन्म से दूसरे व 22वें वर्ष में घात रहती है, यानी इन वर्षों में कोई बड़ी दुर्घटना की आशंका रहती है। मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति मंगल के प्रभाव के कारण जटिल स्वभाव वाले, दूसरों के काम में गलतियां निकालने वाले, युद्ध प्रेमी, पराक्रमी, अपनी बातों पर कायम रहने वाले और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं। बुधवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति बुध के प्रभाव के कारण मीठा बोलने वाले, पढ़ाई में रुचि रखने वाले, ज्ञानी, लेखक और संपत्तिवान होते हैं। ये अन्य लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वे 64 वर्ष तक जीते हैं। इन लोगों को जन्म से 8वें महीने और 8वें वर्ष में बड़ी घात रहती है, यानी मृत्यु के समान कष्ट भोगना पड़ता है। गुरुवार को जन्मे लोगों की आयु 84 वर्ष मानी गई है। इनके लिए जन्म से 7वां महीना और 13वां तथा 16वां साल कष्टप्रद होता है। यदि ये समय निकल गया तो फिर व्यक्ति पूर्णायु जीता है। इस दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति बृहस्पति के प्रभाव के कारण विद्या में निपुण, धनवान, ज्ञानी, विवेकशील और उत्तम सलाहकार होते हैं। ये लोग दूसरों को उपदेश देने में हमेशा आगे रहते हैं। साथ ही इन्हें लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने और प्रसिद्धि पाने की तीव्र इच्छा होती है। शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति शुक्र के प्रभाव के कारण स्वभाव से चंचल, भौतिक सुखों में लिप्त रहने वाले, तर्क वितर्क में होशियार, धनवान एवं तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इन लोगों की ईश्वर में आस्था कम होती है। उनकी आयु 60 वर्ष की मानी जाती है। इनके लिए घात वर्ष कोई नहीं होता है, इसलिए संभव है कि ये 60 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं। शनिवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति शनि के प्रभाव के कारण कठोर स्वभाव वाला, पराक्रमी, परिश्रमी, दुख सहने की गजब शक्ति वाला, न्यायी एवं गंभीर स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को सेवा करने के कारण प्रसिद्धि भी प्राप्त हित। शनिवार को जन्मे लोगों की आयु सबसे अधिक 100 वर्ष की मानी गई है। इनके लिए जन्म से पहला महीना और 13वां साल कष्टप्रद रहता है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।